अगली खबर आ रही है रिवजनी से, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने देव तालाब के लौर कला ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शिवपुर निबुहा से देव तालाब तक 4.99 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य सतत जारी रहेंगे। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाकर प्रत्येक कस्बे व गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही पूर्व से निर्मित ऐसी सड़कें जो खराब हो गई हैं, उन्हें भी पक्की सड़कों के तौर पर परिवर्तित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाईपास बन जाने के कारण कस्बों के अंदर की सड़कों की हालत में सुधार नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी के सहयोग से वन टाइम योजना में इन सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और अब कस्बों के अंदर की सभी सड़कें पक्की व गुणवत्तापूर्ण बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि देव तालाब से नईगढ़ी का मार्ग भी शीघ्र ही प्रारंभ होगा। श्री गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा कराने के लिए हर घर में नल के द्वारा स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य भी प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में रीवा जिला प्रथम स्थान पर है और यह आवास लोगों को एक सौगात के तौर पर मिल रहे हैं। उन्होंने शिवपुरा निबुहा से देव तालाब सड़क निर्माण कार्य को उच्च गुणवत्तापूर्ण करने तथा इसके किनारे बनाई जाने वाली नाली को तालाब से जोड़ने के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन यंत्री शंकर लाल ने तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि 3 किलोमीटर लंबी एवं 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट सड़क का निर्माण 4.99 करोड़ रुपए की लागत से 6 माह में करा लिया जाएगा। सड़क में 1.50 किलोमीटर तक पेवर ब्लॉक के साथ लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी तथा आगामी 10 वर्ष तक सड़क का संधारण संविदा कार द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी के गर्ग, शिव पूजन शुक्ला, अखिलेश पांडे, संविदा कार के सोहगौरा, नरेंद्र मिश्रा, पुष्पेंद्र गौतम सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी तथा स्थानीय जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह चंदेल ने किया था।